आज मैं आपको अस्थमा या दमा जिसे हम कहते हैं उसके लिए एक रामबाण औषधि लाई हूँ। ये बहुत इफ़ेक्टिव दवा है, घरेलू उपचार है, पूरी तरह से सेफ़ है। इसको जिस तरह से बताया जाएगा अगर आप इस तरह से करेंगे तो कितनी भी पुरानी आपको अस्थमा की बीमारी है, अस्थमेटिक हैं, आपको दौरे पड़ते हैं या अस्थमा का कभी कभी ऐसा होता है, अटैक होता है, उसमें हालत बहुत गंभीर हो जाती है, उसके लिए बहुत ही बढ़िया सही इफ़ेक्टिव ये इलाज है। तो चलिए बताती हूँ। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो का आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए, ये जो रेमेडी बनने वाली है ये बनेगी एक पके हुए केले से। तो आपको लेना है एक पका हुआ केला और उसको आपको रोस्ट करना है, यानी आपको उसको भूनना है। तो देखिए, एक रोस्टर ले लिए हैं हम, इस तरह से भून रहे हैं। अगर आपके पास रोस्टर है तो रोस्टर पे रख के भूनिए, जिससे पूरा अच्छे से ये भून जाए, या फिर गैस पे डायरेक्ट ही आप इसे चिमटे से पकड़ के अब इस तरह से भून सकते हैं, यानी जैसे भी आप इसको भून सकिए आसानी से भून सकते हैं। या फिर इस तरह से देखिए, ये जो आता है इस तरह से जो स्पैचुला होता है, आप इस पर भी इस तरह रख के आप इसे भून सकते हैं। तो आप इस तरह से आसानी से भून लीजिए। और सबसे अच्छा यही है कि आप रोस्टर अगर है तो उस पर आप धीमी धीमी आंच पे अच्छे से पका के इसे भूनेंगे तो ये बहुत इफ़ेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसे पूरी तरह से अच्छे से भूनना होता है। ये अधकचा नहीं होना चाहिए, क्योंकि केला पूरा पका होता है, लेकिन जब हम भून देते हैं ना तो इसका बहुत बढ़िया इफ़ेक्ट होता है ऐसे दमा और अस्थमा के पेशेंटों के लिए। कभी कभी होता है अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उन्हें कभी कभी अस्थमा का अटैक होता है, इसे बोलते हैं, तो उसमें हालत बहुत ख़राब हो जाती है, सांस फूलने लगती है, इतनी ज़्यादा सांस फूलने लगती है कि हालत सबकी परेशान हो जाते हैं। खांस कभी कभी तो ऐसा होता है, खांसने की भी समस्या हो जाती है, तो ये खांसी की भी समस्या को दूर करता है। पुरानी से पुरानी अगर खांसी है तो आप इस इलाज को करके देखिए, आपकी किस खांसी की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और अस्थमा के लिए तो ये पूरा बहुत ही बढ़िया रामबाण नुस्खा है, दमा है, अस्थमा है, दोनों के लिए आप इस तरह से यूज़ करिए। आपको करना क्या है, देखिए दो चीज़, एक तो आपको केले को अच्छे से पका लेना है, यानी आपको इसको बॉयल नहीं करना कि बॉयल करेंगे, इसे आपको ड्राई रोस्ट करना, जैसे हमने आपको बताया रोस्ट करना। उसके बाद दूसरी चीज़ है, आपको लेना है काली मिर्च। काली मिर्च मीन्स ब्लैक पेपर, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं। तो ब्लैक पेपर मसालों में अवेलेबल होता है, सबके किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाता है ब्लैक पेपर। तो इस तरह से 21 दाने आप लेंगे, देखिए गिन के आपको लेना है 21 दाने काली मिर्च के। काली मिर्च वैसे भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी चीज़ होता है, कई सारी बीमारियों को दूर करता है, ये पेट में गैस, एसिडिटी ऐसी बीमारियों के लिए भी इलाज किया जाता है, खांसी सर्दी जुकाम के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो काली मिर्च को हम कैसे सेवन करेंगे, देखिए इस दमा अस्थमा की बीमारी के लिए आपको करना क्या है, जो केला अभी आप देखिए इसे बिल्कुल ठंडा मत होने दीजिएगा, तो पहले से ही काली मिर्च जो है इसका आपको पाउडर बना के रख लेना है। तो देखिए 21 दाने का जब आप पाउडर बनाएंगे ना तो 1/4 चम्मच के करीब ही आपका पाउडर बन के तैयार होगा। ये देखिए, जो घर में नॉर्मल चम्मच यूज होता है उससे आप नाप लेंगे, 1/4 चम्मच आपका बन के तैयार हो जाएगा। 21 दाना आप पीस के उसे देख के अंदाज के देख सकते हैं। और ये जो केला है ना, बिल्कुल गरम गरम ही आपको सेवन करना, इसे ठंडा बिल्कुल मत होने दीजिए। अगर आप पहले से पाउडर नहीं बनाए हैं तो केले को सिकने दीजिए, उस बीच आप पाउडर बना के तैयार करके रख लीजिए, और गरम गरम केला ही आपको पेशेंट को खिलाना है, रोगी जो है उसको आपको गरम गरम ही खिलाना है। तो आप क्या करेंगे, केले के छिलके को उतार दीजिए, इसे छोटा छोटा पीसेज में कट कर लीजिए। हम आपको इसको काट के दिखाने के लिए इस तरह से कट कर रहे हैं छिलके सहित, आप इसे पूरा छील दीजिए और छोटा छोटा पीस में काट दीजिए। उसके ऊपर ये जो 21 दाने के पाउडर आपने पहले से तैयार करके रखा है उसके इसके ऊपर डाल दीजिए, जैसे फ्रूट चाट खाते हैं ना उसी तरह से इसको डाल के काली मिर्च को आप दे दीजिए स्पून से, उसको खिला दीजिए पेशेंट को। और गरम गरम ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए केला भी कैसा गरम है, धुआं निकल रहा है आपको दिखाई दे रहा है, बस ऐसे ही गरम गरम केला आपको इसको खिलाना है ये काली मिर्च के पाउडर को डाल के। इतना असरदार ये दवा है, घरेलू उपचार है, ये पुराने समय का ये घरेलू नुस्खा है जो मैं इसको आपको खोज के आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत पुराने लोगों ने इसके इस उपचार को बताया है और बताया, इससे बहुत सारे लोग पहले के टाइम पे ठीक हुआ करते थे, अगर अस्थमा के पेशेंट हुआ करते थे। तो अस्थमा के पेशेंट दमा के पेशेंटों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। कभी जब दौरा अगर पड़ जाए अचानक ऐसे अस्थमा और दमा का, तो आप उस समय इस तुरंत इस रेमेडी को बना के इसे तुरंत देंगे तो आप देखेंगे तुरंत तत्काल ही आराम होने लगता है। तो इस चीज़ को आप इस तरह से उपयोग करिए, देखिए छिलके को उतार के ही आप इस तरह खिलाएंगे, छिलके सहित नहीं खिलाना है, और छिलके को आप फेंक दीजिए, छिलके का कोई यूज़ नहीं है। बस एक केला, बस ये ध्यान दीजिएगा कि गरम केला होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। मान लीजिएगा कहीं ठंडा हो गया तो आप इसको फिर से रोस्ट कर दीजिए और गरम गरम ही इसको आप खिलाएंगे पेशेंट को, ठंडा नहीं होने देंगे।
बस आप इस तरह से बस ये काली मिर्च 21 दाना और एक केला इसी तरह से आप बनाइए और इस अस्थमा के पेशेंट को खिलाइए। आप देखेंगे बहुत ही पुराना अस्थमा है, यहाँ तक कि जैसे हम आपको बता रहे हैं खांसी अगर सूखी खांसी है, बलगम वाली खांसी है, पुरानी खांसी है, या फिर एलर्जी की वजह से खांसी आती है। कुछ लोगों को होता है मौसम चेंज होता है एलर्जी हो जाती है, उसमें भी खांसी आने लगती है, तो उस खांसी के लिए भी ये बहुत बढ़िया सा रामबाण नुस्खा है। आप इसको करके देखिए, खांसी दमा अस्थमा ऐसी सांस की बीमारियों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है ये रेमेडी। तो आप इस तरह से बीमारियों में इसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप इस तरह से इसको उपयोग करिए। बस आपको ये जो क्वांटिटी बताई गई है इसका ध्यान रखिएगा, और कैसे सेवन करना है ये भी हमने आपको बताया है कि गरम गरम ही खिलाना है। बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए, इस रेमेडी को करिए, और साथ साथ अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उन्हें ठंडी चीज़ से बचाना चाहिए, यानी ठंडक से बचाइए, ठंडी चीज़ जो जिसकी तासीर ठंडी होती है वो चीज़ ना खाइए। और केले को आपने गर्मा दिया ना, तो ये तासीर इसकी ठंडी नहीं रह गई, आप इसे गर्म गर्म खिलाएंगे। और कुछ ऐसी रेमेडीज़ होती हैं जिसको जब दवा किसी के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं तो उसकी तासीर बदल जाती है, तो आप इस तरह से इसको आप खिला सकते हैं। ये नहीं केला की तासीर ठंडी है तो आपको नुकसान करेगा, बिल्कुल नहीं। आप इस तरह से काली मिर्च के साथ इसे गर्मा के खिलाएंगे तो बहुत इफ़ेक्टिव है। तो आप इस तरह से खाने पीने का ज़रूर ध्यान दीजिए, अस्थमा के पेशेंटों को बहुत ज़रूरी होती है ठंडी चीज़ से परहेज करना। तो बस फ्रिज में रखी हुई चीज़ ना खाएँ, दही छाछ ऐसी चीज़ ना खाएँ, और चावल है उसको भी आपको बिल्कुल ठंडा नहीं खाना चाहिए। गरम गरम चावल अगर आप खाते हैं चावल तो आपको गरम गरम खाना चाहिए, यानी जब तुरंत बने तुरंत ही आप गरम गरम खाइए। इस रेमेडी को आप लगातार एक हफ्ते ज़रूर करिए। अगर आपको लगने लगे कि आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो आप इसे लगातार 2 से 3 महीने इसे कर सकते हैं, जिससे जड़ से आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाए। बस इन सारी चीज़ों का ध्यान दीजिए और आप इस रेमेडी को करिए, आपको इससे 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको इससे रिजल्ट मिलता है, आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करिएगा। बहुत सारे लोग हैं अस्थमेटिक पेशेंट हैं जिन्हें सही दवा सही इलाज ना मिलने की वजह से वो बहुत पुराने समय से झेल रहे हैं, तो आप उनकी भी हेल्प करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो अपने लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन होता है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो का तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना खूब खूब ख्याल रखिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।